उत्पत्ति से पहले भी मिलती, उत्पत्ति
ऐसी उत्पत्ति सदैव स्वप्न इदम रूप में दिखाई पड़ रहा है, ये सब सदैव इदम रूप में अभी दिखाई पड़ रहा है कि शत्रु नहीं, अभी भी शत्रु भी है, और फिर जो है जब लय प्राप्त करेगा तो शत्रु ही प्राप्त करेगा, इसलिए होता है एवं ही प्रणवम व्यक्ता वैष्णवी तदनंतर प्रणव को जान करके उसके साथ एक भाव को प्राप्त करें। कल यहाँ तक हमने भर लिया था तदात्म भाव, तब जिसको है अनंतर मई हम प्रज्ञान घनिष्ठ प्रकार भाव को प्राप्त करें। अब देखिए एक आग बहुत बड़ा और एक उद्घाटन होगा भगवान भाष्कर से, कई बार पर ध्यान देने से पता रहेगा। अगले के लिए हमारे टीकाकार उपलब्ध देते हैं, ब्रह्म बुद्ध्या प्रणवम अभिध्यायत हृदयकम देशम उपनिषद, है ना, ओंकार की उपासना आप कहाँ करेंगे, हृदय, ठीक है ना, और वो कौन सा ओंकार है, ब्रह्म बुद्ध्या, यही ओंकार पर ब्रह्म है, इस बुद्धि से यही ओंकार पर ब्रह्म है, अपर ब्रह्म जैसा हमारी योग्यता कौन सा, और उसको कहाँ चिंतन करेंगे, हमारे हृदय में, इसलिए बोलते हैं प्रण ब्रह्म बुद्ध्या प्रणवम अभिध्यायत, प्रणव का अभिध्यान करने में हृदयाकम देशम उनके लिए कहाँ पे उसको करेंगे। हाल मैं बोला था प्रणव का दो प्रकार से उपासना होते हैं, नामात्मक एक रूपात्मक, ठीक है ना, एक नामात्मक रूपात्मक और नाम रूप मिला करके, परंतु प्रणव का उपासना कभी भी बाहर नहीं, प्रणव का उपासना हमेशा अपने अंदर ध्यान रखना, शिव का बाहर हो सकता है, विष्णु तक बाहर हो सकता है, ओंकार जो है ये हमारे मन में कल्पित फॉर्म है, हमारे हृदय को उसके कभी भी उपासना करो, ओंकार को अपने सभी तक सके, शास्त्र ने ऐसा विधान है ओंकार उपासना में अपने सभी तक सके, जैसे होता है ब्रह्म बुद्धिया ब्रह्म बुद्धि के साथ प्रणवम अभिध्यायत, ओंकार को चिंतन करने वाले का हृदय कम देश हृदय की अवस्था, अभी आएगा अब भी आएगा, ठीक है, कुछ हद तक आपने पकड़ लिया, कुछ हद तक आपने पकड़ लिया, भगवान भाष्कर हृदय का अर्थ करेंगे, हृदय का अर्थ कैसे लिए मैं नहीं बोलना भी, हृदयाखम देशम परिषद, अब क्या बोलते हैं श्लोक में, प्रणवम ईश्वरम विद्वा सर्वस्य हृदये स्थितम्, सर्वस्य हृदये स्थितम् सर्वव्यापिनमोङ्कारम्, सर्वव्यापिनमोङ्कारम् मत्वाधीरो न शोचति, मत्वाधीरो न शोचति प्रणवम् ईश्वरं विद्या सर्वस्य हृदये स्थितम् सर्वव्यापिनमोङ्कारम् मत्वाधीरो न शोचति। यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रणवम् ही ईश्वरं विद्या, ये जो प्रणव है ओंकार है यही ईश्वर है, ऐसा जानना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा अनुभव करना चाहिए, मतलब पहले अवलंबन लेकर के अनुभव करना चाहिए, और प्रणव कहाँ विद्यमान है, सर्वस्व हृदय, सभी के हृदय में विद्यमान, हृदय क्या अवस्था, हृदय क्या अवस्था। अब देखिए भगवान भाष्यकार ये हृदय शब्द का अर्थ करते हुए बोलते हैं कि सर्वस्व प्राणी जातस्य स्मृति प्रत्यय आस्पदे हृदय, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट लगेगा आपको, ये क्या बोल रहे हैं, सामान्य रूप से हृदय से हम लोग अंदर लोग बोलते हैं हमारे हार्ट जो है पंप करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है, अवलंबन लेकर वहाँ पे करते हैं पंप अपमान लोग कर, इसमें सृष्टि हुई नहीं, यहाँ पे आपको पहुँचना है, तो भगवान भाष्यकार यहाँ पे हृदय शब्द का अर्थ कर दिया स्मृति प्रत्यय आस्पदे हृदय, स्मृति मतलब क्या होता है, जो आपका अनुभव के बाद जो भी अनुभव होता है स्मृति रिमेम्बरेंस, इस स्मृति का आश्रय, और दो प्रकार की ज्ञान बोला नए दर्शन में, एक स्मृति ज्ञान एक अनुभव ज्ञान, नए दर्शन में था ना ज्ञान दो प्रकार की होता है, यहाँ पे स्मृति और प्रत्यय मतलब अनुभवात्मक ज्ञान, स्मृति मतलब स्मरण रिमेम्बरेंस और प्रत्यय मतलब एक प्रश्नात्मक विधान, इन दोनों का आस्पद, अब बताओ आप समझो प्रत्येक व्यक्ति को जरा अपने आप विचार करके देखो इसका आधार क्या है, आश्रय आधार क्या है, आपकी हर एक स्मृति का आश्रय अथवा हर एक ज्ञान का आश्रय कौन है, अंतकरण, आप बोलोगे तो अंतकरण तो वस्तु तो आपको दिखाई देगा,
मतलब हर एक व्यक्ति को कोई जाने अनजाने में, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, हाँ हाँ मैं समझता हूँ, हाँ मेरे को स्मरण हो रहा है, तो आस्पद कौन हुआ? मैं। अब मैं व्यापक मैं है ये नहीं जानता, परंतु उस मैं इसे भगवान भाष्यकार बोलते हैं स्मृति प्रत्यय आस्पदे हृदय, यही हृदय। अब आप देखिए, अब यही हृदय है, इसी को प्रणव बोल रहे हैं, और यही प्रणव है जिस हृदय में, जिस हृदय में स्मृति प्रत्यय आस्पद वही आपका ईश्वर, वही ब्रह्म। अब इस प्रकार के ईश्वर को कोई कहते हैं ईश्वर नहीं है, आप जिस समय अपने ईश्वर को डेफिनेशन कर दिया, क्या डेफिनेशन कर दिया? स्मृति और प्रत्यय की आश्रय को। अब इस प्रकार के ईश्वर की डेफिनेशन को कोई खंडन कर सकते हैं? कोई कहते हैं ईश्वर नहीं है। वेदांत ने जिस प्रकार ईश्वर की परिभाषित किया, आप बोलो कि तब तुमको यही कहना पड़ेगा कि मैं नहीं हूँ। यदि कहना चाहते हो कि ईश्वर नहीं है, तुमको यही कहना पड़ेगा कि मैं नहीं हूँ। तभी कोई कहना चाहेगा? कोई समझ भाष्यकार लिख रहे मैं, मेरा कसर नहीं है, देखो भाष्यकार बोल रहे हैं। इसीलिए वो सावधानी के साथ समझने के हमें क्या कहना चाहते हैं कि स्मृति प्रत्यय आस्पदे हृदय स्थितम ईश्वर। स्मृति और प्रत्यय के आश्रय रूप जो हृदय है वो मैं, वही ईश्वर है, वो ईश्वर को जानना। स्मृति क्या है? जिन्हें कोई चीज आपने अनुभव किया उसको जब आप स्मरण करते याद करते हैं उसी को स्मृति बोलते हैं। अनुभव के बिना स्मृति नहीं होगा। प्रत्यय मतलब यहाँ मैं जानता हूँ, आपका कॉग्निशन, नॉट फॉल्स नोशन, कॉग्निशन निश्चय रहता है कि प्रत्यय। इसका हर इन दोनों का अब सूक्ष्म आश्रय देखिए कौन है, किसके आधार पर आप बोलते हैं? हाँ मैं कितना चीज बदल जाता है बचपन से लेके बुढ़ापा तक, ना जाने कितना शरीर में परिवर्तन आ गया, कि शरीर का हाथ फट गया, पैर कट गया, आँख बदल गया, हार्ट बदल गया, लिंग परिवर्तन हो गया, फिर भी मैं नहीं बदला। ये जो मैं है, ये मैं आपका, ये जो मैं फिर हृदय मैं यही तो बोल रहा हूँ, सामान में उसको छोड़ो अभी, इसीलिए केवल मत तो हृदय वो तो एक पंपिंग स्टेशन है, उस वृत्ति, हाँ उस वृत्ति को आप, वो जो वृत्ति मैं आत्मक वृत्ति, इसी को तो भगवान शंकराचार्य ने बोला, देखो बाल्यादिषु अपि जाग्रतादिषु तथा सर्वासु अवस्थासु अपि व्यापृतासु अनुवर्तमानम् अहम् इति अन्तःस्फुरन्तम्। स्वात्मानं प्रकोटीकरति भजतां जो मुद्रया भद्रे, आपको सभी के अंदर हो रहा है, परंतु स्वरूप प्रकट किसके सामने होगा? जो वहाँ पे निष्ठा रहेगा, भजन करेगा। तस्मै यही गुरुमूर्ति है, यही दक्षिणामूर्ति है, यही परमात्मा दक्षिणामूर्ति। स्तुत्र में ऐसे ही बोला भगवान यहाँ से आए, अपने श्लोक को तो पढ़ा आपने, बल्ला विश्व भी जागृता विश्व तथा सर्वस्व अवस्था से व्यापिता स्वर्तमान अहम ही स्फुरन। स्वात्मानं प्रकोटीकरति भजतां, हाँ सबके सामने अपने को सच्चे रूप में प्रकट नहीं करता, भजन करने वाले, चिंतन करने वाले, विचार करने वाले, सात्मान भजन जो मुद्रया भद्री भद्र मुद्रा है, अब व्यभिचारी मूर्ति है, दसमय से गुरु मूर्ति है, नमय वही दक्षिणा वही आत्मा है। इसीलिए ये जो मैं प्रत्यय मूर्त है ना, यही जो हमारा हृदय, हमारी स्मृति और अनुभव की आश्रय है। मतलब ये इस देश को नहीं बोल, देश को नहीं बोल, इस प्रकार की अगर मान्यता दोगे ईश्वर को, तो कभी भी ईश्वर आपके लिए अनदेखा नहीं होगा, हमेशा ईश्वर का अनुभूति होता है, अंतर्यामी रूप अनुभूति होती है। जितनी भी जगह ईश्वर हृदय आता है, ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक सभी में यही है। चींटी भी जो मैं भूत्र होता है, मैं प्रत्येक उंगली ले जाओ सामने, मक्की का हो चींटी का हो, हट जाता है, मतलब उसका अनुभव आता है, अरे मेरे को कुछ करने आ रहा है, मेरे को कुछ करने आ रहा है, ये अद्भुत। ये इसको अगर समझ जाएंगे कि ये मैं कौन वस्तु है, ये आपके सामने ये रूप में नहीं आएगा, विषय रूप में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सबको विषय बना रहे हैं। वो जो आश्रय स्थल है, वो आश्रय प्रणव का आश्रय, मतलब वही ईश्वर है, वही परमात्मा। केवल इतना ही, इसकी व्यापकता को हम नहीं समझते, केवल उस व्यापकता को समझने के लिए ये परिच्छिन्नता को मिटाना इस पर बस। बाकी आपका सारे भाग्यपाल लिख रहे हैं प्रणवम ही ईश्वर, जिमात्मा को हृदय की। अब देखिए हृदय क्या वस्तु, हृदय वो वस्तु है जो हमारी हर स्मृति और हर प्रत्यय की आश्रय स्थल है, जिसके ऊपर आश्रय करके मैं, मेरे को स्मरण होता है, मेरे को बोध होता है, वो हृदय है। कितना परिवर्तन हो जाता है शरीर में, परंतु मैं वही हूँ, मैं कितना सारा परिवर्तन फिर मैं वही हूँ, ये जो मैं आश्रय हूँ मैं है, ये प्रत्यय ये हृदय, और इसी को ईश्वर बोल रहे हैं। इस प्रकार का जो भी कोई कहता है कि ईश्वर नहीं है, तो बोला आप पहले वेदांति ईश्वर को समझ रहे, वेदांत किसके ईश्वर बोल रहे हैं? ठीक है, औपाधिक ईश्वर इसको हम निषेध नहीं करते हैं, मर्मार्थिक ईश्वर के स्वरूप यहाँ पे हम द्वैत भाव में करेंगे ना सर।
किसमें उपासना तो गई तो भक्त में ही होगा, परंतु जब आप प्रणत्व में अकार उकार मकार तीनों को लय कर देंगे आप, तब दैत्य कहाँ रह जाएगा? लय करने वाला जिसको लय कर रहा दोनों चला जाएगा, केवल कोई एक अस्तित्व मात्र। अब मैं विचार कर रहा हूँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जिसको मैं निषेध कर रहा हूँ, मैं निषेध करने वाला, ये दोनों पहले भेद रहेगा। निषेध करते 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 जब आप अहंकार तक आ जाओगे, तब जो रह जाता है जिसको निषेध नहीं किया जा सकता। उपासना के लिए बोल रहे हैं, परंतु वहाँ पे स्थित मतलब ईश्वर कहीं भी कहीं अलग करके नहीं रहता, वो तो शब्द रूप में ही रहता है। मतलब जो मैं कर रहे अंदर से, यही ईश्वर तत्व दक्षिणा, वो मैं और घड़ा और पानी जैसे नहीं है, जो अंतर बैठ करके भद्र मुद्र के तरह हमेशा मैं कर रहा है, ये आपका हृदय है, यही हृदय है। मतलब क्या ईश्वर हृदय अभिन्न, आप एक ईश्वर मत प्रणव, आप क्या हो गया, आप उस अभिन्नता के भाव, तभी जा करके आप जन्म मृत्यु के मतलब जागे, क्या बोलते तत्र को मोह कोश के एकत्व अनुपस्थित, सुधी क्या बोलते हो, एकत्व दर्शन करने वाले के लिए शोक नहीं होता, मत्वा धीरो न सोचे विचरते शोकम आत्मभिन्न। ये शब्द है, शब्द क्या दिखाता है, ये अपना स्वरूप का बोध होता है, ये अपना स्वरूप का बोध ऐसे ही। और देखिए इस प्रकार में जब आप ईश्वर को मन बैठा लेंगे ना, तो हर समय आप कोई भी चीज़ स्मरण कर रहा हूँ ईश्वर, कोई भी चीज़ का अनुभव हो रहा है ईश्वर। तो ये ज्ञान कभी व्यभिचार नहीं करता, ज्ञान रूपम न व्यभिचार। एक वेदांत विज्ञानी एकम वेदांत विज्ञानम स्व अनुभूतता विराजते, एकम वेदांत विज्ञान स अनुभूतता विराजते, अपने अनुभव के द्वारा तुम इसको प्रकाश तुमको समझ में आता है, वहाँ पर टिकना मुश्किल समझ। देखिए कैसे शुरू किया था और कहाँ पे ला रहे हैं, प्रतिज्ञा भगवान हाँ सुधर के आप जागृत में बैठ करके सुषुप्ति बनने पर आप उसको अनुभव हो जाए। अब अंतिम में कितना सुंदर क्लू पॉइंट दिया इसको कि कहाँ पर हम अनुभव करेंगे इसको, जो इस मैं और उसका स्मृति का आश्रय है। इस प्रकार से अब आप वहाँ पर तो परिचिन्न दिख रहा है, परंतु ये परिचिन्न नहीं है, इसलिए एडिशनल क्या क्या सर्वव्यापी नमो छंदों के में हृदय आएगा शब्द, वहाँ पर भी यही अर्थ लेना। अब देखिए छंद, अब मैं पहले बोला कि उपासना प्रसंग में आया हुआ, उपासना में जो आया, तब हम इसको नहीं देखते, ये प्रकरण ज्ञान की प्रकरण है। अच्छा, ये ज्ञान की प्रकरण में कल भी बताया था, देखो हमारे उस शब्द को कहाँ पे आया है, किस प्रकरण में आया हुआ है, उस प्रकरण के हिसाब से हमको शब्द का अर्थ दिखाना है। विद्या हृदय ग्रंथि, हाँ, अब हृदय में, हृदय ने जो आपकी जो स्मृति में अथवा अनुभव में जड़ और चित्त को मिला रखा, ये जड़ और चित्त को अपने मिला रखा, किसके द्वारा मिला रखा, ये अपनी मैं के द्वारा मिला रखा, अब ये टूट जाता है, अब ये टूट जाता है, जड़ आप चित्त गांठ नहीं रहेगा, चित्त आपको स्पर्श समझ में विद्यते हृदय ग्रंथ, ये हर चीज आप वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे ज्ञान का प्रकरण है, विद्यते हृदय ग्रंथि चित्त सर्व संचय श्रीयंत कर्मण तस्मिन दृष्टि बराबर, वहाँ पे हृदय मतलब क्या हो जाएगा, आसपास वो जो आपने मिला रखे थे हृदय ग्रंथि में, तो जड़ चित्त को मिला दिया था, मैं शरीर का मैं समझ रहा था ना, अब शरीर मैं नहीं समझ रहा, इसमें तो हाँ नहीं गया भगवान भाष्य का एक छोटा शब्द बोला, यहाँ पे थोड़ा बल करके सोचिए कि क्या बोलना चाहते हैं, तब आपको जो मैं और प्रत्यय का मतलब स्मृति और अनुभव का आश्रय क्या वस्तु है वो थोड़ा समझ में आना चाहिए, विषय रूप में नहीं आएगा, परंतु मन वहाँ पे एकत्र हो जाएगा, अतः जड़ आत्मा और जगत आपको अलग दिखने लगता है। ये यहाँ पे बोलते हैं कि आप यहाँ पे आने के बाद आपको पहले अंदर में परिचिन्न रूप में दिखेगा मेरा मैं और मेरा स्मृति का जो आधार अधिष्ठान है, परंतु ये एक नहीं, एक जो है अलग अलग है, प्रमाता परिचिन्न है परंतु साक्षी परिचिन्न नहीं, प्रकाश इसीलिए बोलता है सर्वव्यापी नाम ओंकार है ना, सर्वव्यापी इस ओंकार तत्व को, इस प्रणव तत्व को जो आश्रय होता है मत बात धीरे, इसको जान करके समझ करके ना, धीर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब धीर किसको बोलता है, हर प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में जो अपनी मतलब लक्ष्य से अलग, ये धीर व्यक्ति धैर्यवान व्यक्ति है ना,
कि हर प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में साधन करते करते लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, मन कहता भाग जाओ, फिर भी नहीं नहीं मैंने मतलब जिसको समझा उस समय डेफिनेट नहीं करूँगा, इसी यही मार्ग का शास्त्र ने जगह ये धैर्य रख करके जैसे हम होंगे धीरे धीरे तद बुद्ध तदात्मन तदनिष्ठ तत्परायण जैसे हम होते रहेंगे बस बंद सर्वव्यापी का ओंकार मत्वा धीरो न सोचो, इसी ब्रह्मास्त्र को लेकर के आप सारा चीज को देन यू विल नॉट काउंट एनीथिंग, अपनी व्यापकता की अस्त्र मतलब इसको यदि आप मन में ठीक से धारण कर लिया कि बस इसी का यही मेरा सर्वोत्तम, फिर आप संसार कोई वस्तु आपको मन को आश्रय नहीं करना, मन ईश्वर में साथ ही हो जाए परिच्छिन्न वस्तु के बाद ये नहीं करना। एक छोटा सा बोल रहा है यहाँ पे कितना देर तक जिस समय पहला बार जिस समय इसको पढ़ाया था उस समय से ये माइंड का है क्या वस्तु, हृदय क्या वस्तु, ऐसे जो है हम लोग सामान्य रूप से बोलेंगे देखो आप इसको आपको बहुत खुशी हो रही है मन अच्छी चीज हुआ तो आप कुछ फील करते हैं कि अंदर किसी एक जगह आपको पता लगेगा वो और कुछ नहीं है आपके मैं पाना है, क्योंकि खुशी कौन अनुभव कर रहे हैं मैं अनुभव कर रहा हूँ बहुत अच्छा लगे जो मैं है वो तो पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरा शरीर में व्याप्त समान रूप से व्याप्त पूरा एक शरीर में नहीं सारा सृष्टि में व्याप्त सर्वव्यापी न ओंकार सर्वव्यापी केवल यहाँ पे नहीं है सारा जगह पे व्याप्त कहीं पर कुछ दुख अनुभव हो हृदय में थोड़ा भारी पड़ लगा है वो कहाँ पे है थोड़ा ढूंढने का कोशिश है तब देखेंगे आप इस मैं पे पहुँच रहे वही हाँ वही हृदय इस मैं पे पहुँच रहे जो अरे मेरे को अच्छा लगता है मन बहुत अच्छा लगता है कहाँ पे आपको अच्छा लगता है कैसे होता है इज इट ऑनली माइंड वो चेतन करते हैं जो इसको वो ज्ञान शुरू है ना इसीलिए आगे बोलते हैं इसको ठीक से समझ करके मत्वा धीरो न सोचती इसको जान करके फिर धीर पुरुष किसी विषय में शोक नहीं करता किसी विषय में शोक नहीं करता। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं ब्रह्म बुद्ध्या प्रणवम अभिध्यायते हृदय प्रणवम ही ईश्वरम विद्या यही जो ओंकार है यही ईश्वर परमात्मा की सबसे प्रिय नाम है ओंकार है ना सबसे प्रिय और नस्तिक नाम सर अघम है सर्वस्व हृदय स्थितम सभी का हृदय स्थित हृदय का अर्थ क्या कर दिया इसको ध्यान रखना हृदय कहीं भी कोई व्यक्ति के लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बोलना अपना क्लैरिटी के लिए चाहिए भगवान भाष्यकार की पंक्ति भाषा करिए है ना स्मृति प्रत्यय आस्पदे हृदय स्मृति हो गया आपका रिमेम्बरेंस प्रत्यय का कोई चीज बोध उस समय इसका जो आस्पद है सामान्य समय हम सभी व्यक्ति ही बोलते हैं हाँ मैं समझ गया मैं जानता हूँ मेरे को स्मरण है ये जो नहीं परिच्छिन्न में प्रतीति हो परंतु बाद में थोड़ा विचार करने से नहीं ये परिच्छिन्न कैसे हो सकता है क्योंकि बचपन में तो एक मैं बोलता था कि मैं बालक हूँ मैं छोटा बच्चा हूँ बोला था ना कि मैं ये हूँ तो ये तो वो जो मैं अपरिवर्तनीय मैं ये वो मैं है जो काल में जिस प्रकार इस शरीर में मतलब बचपन से लेकर बुरा हुआ था मैं व्यभिचार नहीं किया दूसरा शरीर में भी जब प्राप्त करूँ यही मैं आएगा केवल एक शरीर में नहीं सभी शरीर में वही मैं सभी व्यक्ति ही बोलूँगी सबसे पहले सभी व्यक्ति मैं कर दिया अपने को इसलिए मैं का व्यभिचार कभी नहीं है कहीं नहीं है देश रूप में वस्तु रूप में काल रूप में कहीं भी इसका व्यभिचार नहीं यही मैं तत्व हो गया सीतम ईश्वर अब देखिए भाष्य सर्व प्राणी जातस्य सर्वस्य अर्थ का सर्वस्य हृदय स्थित मनुष्य शुरू किया भगवान सर्वस्य मतलब प्राणी जातस्य हृदय गर्भ से लेकर के छूटी तक सभी के अंदर सभी के है ना इसी वजह स्मृति प्रत्यय आस्पदे हृदय स्मृति और प्रत्यय की आश्रय रूपी जो हृदय है उस हृदय में स्थित विद्यमान जो ईश्वर है ईश्वर कहीं से अलग रूप में नहीं रहते हैं है ना जो सत्रूप है कहीं पे अलग रूप में नहीं उसके अंदर अनुशुद्ध होकर के अंदर बाहर सभी वही रहते हैं इसी ईश्वर प्रणवम विद्या प्रणव को इस प्रकार समझना चाहिए सर्वव्यापी नम कैसा है पूर्ण व्यापक व्योमवत आकाश की तरह आपका किस तरह क्या बोला व्यापकता होते हुए भी असंगता भी है आकाश के स्तर बार बार इसलिए देते हैं कि व्यापक होते हुए सर्वत्र असंग है सर्वत्र व्योमवत ओंकार आत्मानवेदिक असंगता दिखा रहे असंसारिनम ठीक है ना ये संसारित्व छूट जाएगा असंसारिनम ओंकार आत्मानम ओंकार जो मेरा स्वरूप है स्वरूप कैसा है संसरण करने वाला नहीं है ना भवरोग के द्वारा पीड़ित नहीं है
ये तो संसारणी भव रोग है ना, इसको पीड़ित नहीं है इसलिए बोलते हैं असंसारी न, इसको ये हो गया एक्विजेटिव सिंगुलर में, धीर नॉमिनेटिव सिंगुलर, धीर मतलब अर्थ कर दिया बुद्धिमान, और वहाँ पे हमारे आनंद गिरी जी बोलेंगे विवेकी देव, बुद्धिमत्ता क्या है विवेकी, तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं दो जगह पे भगवद गीता में बुद्धिमान शब्द प्रयोग, एक चौथा अध्याय के 18वां श्लोक और सोलहवां अध्याय के 20वां श्लोक है ना, कर्मणि अकर्म जपस्ये अकर्मणि च कर्म जस्य बुद्धिमान मनुष्य, ये बुद्धिमत्ता है। अब दूसरा बुद्धिमान कहा बोला, ए तद बुद्धिया शास्त्र ए तद बुद्धिया बुद्धिमान, देखो वहाँ पे भी जो लाइन प्रयोग किया कि ऐसा बुद्धिमान मनुष्य से सयुक्त सकृष्ण कर्म कृत्यता, भगवान के साथ एक हो गया मंगलावतार में यही बोला, इसी को जानने से ही तुम समझ जाओ, ये बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता क्या है कि बस ईश्वर ही एकमात्र शब्द वस्तु ही मेरा स्वरूप है नहीं रहता, ये बुद्धिमत्ता है, धीरता ये विवेक, इसलिए बोलता है धीर भगवान का चाहते बुद्धिमान, सामान्य व्यक्ति व्यवहार में जो बुद्धिमान प्रयोग होता है हम उसको अस्वीकार नहीं करते, परंतु शास्त्र ने किसको बुद्धिमान कहा है वो बुद्धिमान, इसलिए आपने बोलते हैं बुद्धिमान मतलब देखा मत्वा, इस प्रकार से जान करके समझ करके मतलब ये साक्षात्कार को संभव करके अपनी व्यापकता को अनुभव करके न सोचती तो सोच नहीं, धीर मतलब ज्ञानी पंडित और धीर मतलब स्लो, ये कैसे दोनों कैसे आए, धीर जो स्लो जो व्याप करते हैं जिनने बंगाली में प्रयोग करते हैं, धीर समीर धीर समीर, हाँ अच्छा अच्छा वहाँ पे जब आप प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे मतलब स्लो नहीं है, अत्यंत धीर्य के साथ सारा चीज जो है माया मान, धीर शब्द का सामना धीरे धीरे चलो शायद प्रयोग होते अर्थ में तब कर देते हैं, परंतु यहाँ पे धीर मतलब क्या होते हैं बुद्धिमान शब्द अर्थ करते हैं, बुद्धि धातु बुद्धि का भी जो धी है धी एक ही चीज़ धी बुद्धि बुद्धि अच्छा धी धीर मतलब यहाँ पे मान अर्थ में आएगा मतुवर्थ में आएगा बुद्धिमान, धीर धी मतलब बुद्धि र मतलब मतुवर्ती करते हैं मतलब मान, यहाँ पे से बोलते हैं बुद्धिमान, परंतु आनंद गिरी जी बोलेंगे विवेकवान व्यक्ति, मत्व मतलब मतलब इसका अनुभव करके न सोच, शोक को क्यों क्यों नहीं शोक करता है, क्योंकि शोक का कारण क्या है, शोक का कारण क्या है बस मेरा मेरा पानी शोक का कारण है ना, कि ये क्योंकि खो जाएगा इसकी दर तो मेरे पास नहीं होता है, परंतु अज्ञान जब मिट जाते हैं तब आप क्या हो गया आप व्यापक हो गया, तब आपके लिए मेरा करके कुछ नहीं रहेगा सब मैं ही मैं हो गया, यानी कि अज्ञान नाश हो जाने के कारण निमित्त ही चला गया, तो निमित्त तो चला गया तो अज्ञान चलेगा अविद्या काम करूँ, तो अज्ञान नहीं है तो वासना नहीं है, वासना नहीं है तो दुख नहीं है, वासना नहीं है तो दुख नहीं है, वासना ही जो है हमारा दुख के कारण है, एक्सपेक्टेशन ही हमारा लिए दुख का कारण बनता है, वो फुलफिल नहीं होता तो दुख में बदल जाता है, शोक और निमित्त अनुपत्ति, शोक के निमित्त जो अज्ञान वहाँ पे नहीं होने के कारण तरह के शोक आत्मविद शांत को सुखी बोल रहे हैं यहाँ पे 713। यहाँ पे एक चीज और भी देखिए, ये मैं कई बार पहले भी बोला हूँ कि यहाँ इसको बोलते हैं शुद्ध अर्थापत्ति, अर्थापत्ति प्रमाण अर्थापत्ति एक है ना, अर्थात युवती वो हमें कैसे बोलते हैं कि एक व्यक्ति को मैंने दिन में खाने खाते हुए नहीं देखता, परंतु इष्ट पुष्ट पुरुष के व्यवहार उसके व्यवहार देख करके फिर हम निर्णय करते हैं, यदि ये व्यक्ति दिन के समय मतलब रात के समय नहीं खाता होता तब ये स्वस्थ नहीं रह सकता, काम दिन भर करता है, रात्रि भोजनम बिना विनतम अनुभवन्नम, ये अर्थापत्ति प्रबंध, मतलब आपने देखा कुछ उससे कुछ निष्कर्ष मिलना है, ठीक इसी प्रकार से ये हो गया लौकिक अर्थापत्ति, एक है श्रुत अर्थापत्ति, श्रुति कहती है तरत शोक आत्मविद, आत्मज्ञान शोक को नाश करता है, आत्मज्ञान से क्या नाश होता है शोक नाश होता है, ज्ञान से जो वस्तु नाश होता है वो मिथ्या होता है, यह हमारा अनुभव है, जो वस्तु ज्ञान से नाश होता है वो मिथ्या होता है, यह हमने देखा, श्रुति यहाँ पे क्या बोल रही है, श्रुति कहती है आत्मविद शोकम तरती, आत्मज्ञान से शोक मिट जाता है, यानी कि जो ज्ञान से मिटने वाला वस्तु क्या है शोक, कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है तुम्हारी मां, सप्तम अध्याय भूमा विद्या
हुआ भी इतना नहीं, इसको शुद्ध अर्थापत्ति बोलते हैं। आपने वहाँ पे पढ़ा अर्थापत्ति प्रमाण के अनुमान और अर्थापत्ति में भिन्नता है। अनुमान में आपने कुछ लिंग को देख करके दूसरा कुछ अनुमान कर रहे हैं, व्याप्ति है अपना, व्यक्ति के बिना ये विचार पूर्वक निर्णय करते हैं। यदि इस व्यक्ति दिन में नहीं खाता होता तब जा करके इस प्रकार स्वस्थ व्यवहार करेंगे नहीं। कमजोर प्रमाण है, शुद्ध अर्थापत्ति भी होता है। दो जगह पे हमको जो स्पष्ट मिलता है, तरह श्लोकम आत्मवी हमारा प्रश्नोपनिषद के अंतिम में बोलते हैं ना कि वहाँ पे अतः अकाल अमृतो भगवती पुरुष पुरुषम प्राप्त अस्तम गच्छति इमा परितुष्टु इमा षोडश कला पुरुषाय पुरुषम प्राप्त अस्तम गच्छति इमा परितुष्टु इमा षोडश कला। इस प्रकार आपने को देखने वाले इसका जो षोडश कला वाला पुरुष है ये कलवज्जत रूप बोला क्या होता है, लय को प्राप्त करता है। कैसे? इमा परितुष्टु, इस प्रकार आपने को देखने वाले यानी कि कला शरीर को सत्य वस्तु नहीं है, जिनको ज्ञान से मिल जाता है। लेकिन श्रुत अर्थापत्ति को जगह मिले श्रुति वाक्य के आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं। शोक मोहन शुभ दुख शरीर तक कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, ये व्यवहारिक सत्ता तो इसका है, तो व्यवहार करने के लिए अपना पारमार्थिक सत्य वस्तु, ये पारमार्थिक सत्य वस्तु होता तो कभी मिलता नहीं, कभी नहीं मिलता। इसलिए क्या करता है तरह के शोक भी इत्यादि श्रुति जो इस प्रकार श्रुति वाक्यों से ही निश्चय। अब देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं, परमार्थ दर्शिनस्तु देशादि अनवच्छिन्न वस्तु दर्शनात् आर्थिक शोक अभाव तत्र को मोह शोक उपनिषद होना चाहिए। ईशावाशोपनिषद सप्तम मंत्र है ये, तो इत्यादि श्रुति सिद्धम अनुवाद की श्रुति ने जो कहा उसका अनुवाद यहाँ पे करते हैं। ये स्मृति है, श्रुति का अनुवाद अनुवाद अनुसरण अनुसरण करके बोलना पड़ता है। परमार्थ दर्शिन है ना, परम तत्व को परम अर्थ, परम अर्थ मतलब परम पुरुषत्व परम विषय को देखने वाले व्यक्ति, देखने न स्तु देखने वाले व्यक्ति का तो देशादि अनवच्छिन्न वस्तु दर्शन तो परमार्थ को स्वीकार परमार्थ दर्शन सामान्य आप उपासना कर रहे थे परिच्छिन्न दृष्टि से भेद दृष्टि से, अब आपका परमार्थ दृष्टि खुल गया। अब इन दोनों में भिन्नता को समझाने के लिए दो शब्द, इन दोनों के भिन्नता को समझाने के लिए दो शब्द। परंतु जब परम परमार्थ दर्शन आपका हो जाएगा ना, आपको नाम रूप परिच्छिन्न वस्तु दिखाई देगा, परंतु उसके अंदर उस परिच्छिन्नता से जो भेद दिखाई पड़ेगा वो भेद नहीं दिखाई देगा, उसके अंदर एक होमोजीनियस आइडेंटिटी आपको दिखाई देगा। ये परमार्थ दर्शन, ये परमार्थ दर्शन। इसलिए बोलते हैं परमार्थ दर्शिनस्तु देशादि अनवच्छिन्न, मतलब जिसमें देश परिच्छिन्नता नहीं है, वस्तु परिच्छिन्नता नहीं है, काल परिच्छिन्नता नहीं है, पूरा सृष्टि में उसको मैं परमार्थ। अब आपको क्या हो गया, मेरे को सारा नाम रूप दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और नाम रूप जो दिखाई दे रहा है परिच्छिन्न रूप में दिखाई दे रहा है, परंतु अभी आपका दृष्टि खुल गया। अब दृष्टि खुल गया कब, सभी के अंदर उस सच्चिदानंद में दिखाई, तो ये गैप नहीं हुई सच्चिदानंद नहीं मिलता, तभी तो गैप प्रतीति हो रही है। जो खाली जगह दिखाई दे रहा है अभी तो उसी से भरा हुआ है, उसी भरा हुआ है, तो खाली जगह प्रतीति कैसे होती, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये परमार्थ दृष्टि, इसी को भगवत गीता विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्ति सुनि चैव समाकेच पंडित समदर्शी। समदर्शी है ना यहाँ पे, ये परमार्थ दर्शी मतलब समदर्शी है ना, सब ये परमार्थ दृष्टि। देशादि अनवच्छिन्न, देशादि के द्वारा अवच्छिन्न वस्तु दर्शन, उस तत्व को दर्शन हो जाने के कारण। देखिए एक ही आप भी देख रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी एक सोने का ऑर्नामेंट को देखते हैं, सुवर्णविद भी ऑर्नामेंट को देखते हैं, परंतु सामान्य व्यक्ति वहाँ पे ऑर्नामेंट की चकचिक्यता कलाकारी दिखेगा, सुवर्णविद वहाँ पे कितना सोना है वो दिखेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे आपका परमार्थ दृष्टि खुलेगा ना, नाम रूप अपने जगत को बराबर सकते बस उसी का सच्चिदानंद यही है वो आस्पद परमार्थ दर्शिनस्तु देशादि अनवच्छिन्न वस्तु दर्शन, देशादि के द्वारा परिच्छिन्नित नहीं है इस प्रकार तत्व का दर्शन हो जाने के कारण आर्थिक शोक, इस अर्थ से क्या अर्थ निकलता है, क्योंकि हम किस वस्तु को चाहते हैं, जिस वस्तु हमारे पास नहीं है और लगता है ये हमारे लिए काम में आएगा, इस प्रकार वस्तु को ही हम चाहते हैं। हमेशा किसी वस्तु की जो इच्छा होगी वो हमारे पास नहीं है और वो हमारे लिए अनुकूल होगा, ये भावना को लेकर के हम किसी वस्तु को डिमांड। आप क्या है, जब आपने को पूर्ण व्यापक रूप में देख लिया तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई वस्तु हमारे पास नहीं है, नहीं तो सभी के अंदर ये आर्थिक अर्थ सकता है,
ये आर्थिक अर्थ सब इसलिए बोलते हैं यहाँ पे आर्थिकम शोक अभाव, मतलब आपको आपकी व्यापकता का अनुभव होने के कारण आपके पास मतलब कोई वस्तु ऐसा रह ही नहीं गया जो नहीं है हमारे पास, फल तो उसके लिए आपका चाहत भी नहीं होगा, चाहत भी नहीं होगा तो उसके लिए दुख भी नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं इसलिए आर्थिकम शोक अभाव। और ये जो मांडुको कारिकाकार बोल रहे हैं ना कि मत्वा धीरो न सोचती, ये मांडुको कारिकाकार के शब्द नहीं है, तरत शोक मात्व भी तत्र को महाकोश एकत्र श्रुति बनती है। देखो जब तक आपकी ये स्मृति है, मांडुको कारिका स्मृति है, ये जो श्रुति के द्वारा पुष्ट ना हो तो प्रामाणिकता नहीं हो, इसलिए आप बोल तुरंत आनंद गिरि जी ने भाष्यकार में दिया तरत शोक मात्व भी, और आनंद गिरि जी ने दिया ईशावास्य उपनिषद तत्र को मोह को शोक एकत्तम अनुपश्यक है ना, इस एकत्व देखने वाला समझने वाला व्यक्ति के लिए शोक आरम्भ नहीं है ना। हाँ ये वस्तु मेरे पास नहीं है, ये हो गया शोक, मोह क्या ये मेरे लिए लाभदायक होगा, अब क्या होगा ये चीज रही नहीं गया, आप अपने को परिच्छिन्न नहीं मान रहे, व्यापक मान रहे, कोई ऐसा वस्तु नहीं है। और बताओ शरीर धारण के लिए कोई अनंत वस्तु वासस्थान चाहिए, आत्मा के लिए कौन सा वासस्थान बनाओगे? ये तो आप वो तो मैं आत्मा तो व्यापक है, वो परिच्छिन्न आत्मा का चिद मतलब वो चैतन्य की प्रतिफल स्थान, प्रतिफल स्थान, परंतु वास्तविक आत्मा तो व्यापक है। इसके लिए कोई भी स्वमिश्र पूछा नरदेश ने, ये कहाँ प्रतिष्ठित रहता है, बोलते हैं स्वमहिमा में प्रतिष्ठित, अपने महिमा में प्रतिष्ठित है, उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं बना, आश्रय नहीं बना सकते, व्यापक है। इसलिए बोलते हैं कि तत्र को महकोश होता है इत्यादि श्रुति सिद्ध अनुभव, जो श्रुति से सिद्ध होता है उसको यहाँ पे अनुवाद करके ग्रंथकार बोलते हैं सर्वव्यापी नाम ओंकार मत्वाधीरो न सोच हृदय देशे प्रणव भूत ब्रह्म न ध्येय ते हेतु सोच ये देखिए है ना, कि हृदय देश में प्रणव रूप जो ब्रह्म है व्यापक तत्व है, जिस व्यापक तत्व का हम प्रणव रूपी अवलंबन में चिंतन कर रहे हैं उसको हृदय देश में चिंतन जैसे ही आपके अंदर कोई मैं वृत्ति उठे ना, यही भगवान है, यही ओंकार है। अब देखिए आपका परिच्छिन्न मैं टूट जाए, परिच्छिन्न मैं टूट जाए, आप व्यापक में क्यों ये बोल रहे भगवान भाष्य, क्योंकि परिच्छिन्न मैं ही बंधन का हेतु है, क्योंकि मैं की यथार्थ तो स्वरूप को समझ जाएंगे, अरे ही ईश्वर, क्योंकि पहले बोल करके जो ईश्वर है ये सर्वज्ञ सर्वव्यापी ईश्वर अंतर्यामी प्रभव भूताना ईश्वर योनि सर्वस्व, यही बोल करके समस्त सृष्टि के एक आश्रय मैं ही हूँ, तो क्या होने का परिच्छिन्न का स्पर्धा वो व्यापक होता है। इसलिए अभी बोलते हैं हृदय देशे प्रणव भूत ब्रह्म न ध्येयते, उसको क्यों वहाँ पे बोल रहे हैं हेतु मन, तो कहाँ पे स्मृति प्रत्यय आस्पद, स्मृति और प्रत्यय की जो आधार स्तंभ है वो परिच्छिन्नता के ऊपर कहते हैं मैं जानता हूँ मैं करता हूँ इस मैं को तोड़ना है, इसीलिए वहाँ पे ईश्वर की चिंता कर जाता हूँ। बस आगे वहाँ पे भगवान भाष्यकार जो बोला ना कि असंसारी न इस प्रकार यहाँ जो प्रणव कर्तव्य फिर धीरे नमने की बया था उसका अर्थ कर दीजिए बुद्धिमान, देखो आनंद के लिए लिख रहे बुद्धिमान मतलब बुद्धिमान यदि विवेकितम उच्यते, बुद्धि मतलब क्या है विवेक, मतलब आपको अभी बीच पृथक भावी मतलब विचार पूर्वक जड़ और चित्त को अलग करने का मेंटल कैपेसिटी विवेक का एक है बीच बीच धातु है, बीच धातु मतलब विवेक का मूल प्रत्यय है अब आता है उसमें विवेक का वहाँ पे गुण करके बीच धातु है वहाँ पे गुण होता है, तो यहाँ पे इसलिए विवेक शब्द उससे बने होगा कि और कोई अप्रत्यय भी हो सकता है, जो धातु है वह बीच पृथक भावे विचार पूर्वक वस्तु को अलग कर उससे ही बनता विवेक, ये विवेक इतना बुद्धिमान विवेक इतना मतलब जिसके अंदर विवेक करने का विचार करके अलग करने का सामर्थ्य जड़ चित्त प्रवृत्ति टूट जाता है उसी को कहा जाता है। फिर उसमें आगे बुद्धिमान मत्वा धीरो न सोचे भाष्य में मत्व पद आया हुआ उसका टीकाकरण करते हैं मत्ता यदि साक्षात्कार संपत्ति विवक्षते मतलब आपको साक्षात्कार अपलक्ष अनुभूति को संपन्न हो जैसे बोलते इसी को मत्ता मत्ता मतलब ऐसा नहीं कि मेंटल फंक्शन आपको अपलक्षण हो साक्षात्कार संपत्ति साक्षात्कार संपन्न हो गया ये कहना अभिप्रेत है विवक्षत ये कहना चाहते हैं भगवान इसी को अपने आप लिख लें विवेक के द्वारा
तत्व साक्षात्कार सती विवेक पूर्वक मतलब विवेक द्वारा मतलब विवेक वैराग्य सत् संपत्ति मुख सूत्र को जब अवलंबन करके चलेंगे तो तत्व साक्षात्कार हो जाने पर तत्व साक्षात्कार सती शोक निवृत्त हो समस्त शोक की निवृत्ति हो जाती है ना, आत्यंतिक शोक निवृत्ति के ऊपर ही शास्त्रों में लिखा है। अब देखिए भगवद गीता में अर्जुन द्वितीय अध्याय के जो अष्टम श्लोक है, नहीं प्रपश्यामि मम अपान शोकम उच्छोषण अवाप्य भूमो असमतम राज्यम चुरान चाहिए। भगवान इस अपने रिश्तेदारों को मारने से जो सब मर जाएगी इससे जो हमारे मन में शोक हो रहा है, तीन लोग की शत्रु रहित यदि राज्य मेरे को मिल जाता फिर भी शोक को मिटाने के लिए मेरा उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। यह अर्जुन क्लास आप मेरे को शोक निवृत्ति को अत्यंतिक शोक है। आठ नंबर शोक है नहीं नंबर एक। अब देखिए भगवान जहाँ से उत्तर देना शुरू करते हैं द्वितीय अध्याय की एकादश श्लोक, अशोचन अन्न शोचस्तम प्रज्ञा वादन स्वभाष गता सुन नाम शोचन शंकर शंकराचार्य भाष्य यहाँ से शुरू जी यहाँ से शुरू होता शंकराचार्य। परंतु यहाँ पे देखिए भगवान भी अर्जुन की मांग को समझ गया कि अर्जुन शोक निवृत्ति चाहते। कोई कहते ना गीता की मतलब विषय वस्तु क्या है, वेदांतिक दृष्टि से देखेंगे देखो अर्जुन ने लास्ट में क्या मांग की, भगवान मेरे को अत्यंतिक शोक निवृत्ति का उपाय बताओ। और भगवान को समझे इस चीज को तो भगवान पहले क्या बोला, हम लोग क्या करते हैं जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करते हैं और जिसके लिए शोक करना चाहिए हाय भगवान इस जीवन को नहीं शोक अशोक चरण यहाँ तक भी आप सोचेंगे कि अब अंतिम में देखिए जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को मतलब समाप्त होता है 18 अध्याय के 66 श्लोक ठीक है ना, क्या बोलता है कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए कहाँ पे एंड किए, इसके बाद भगवान को उपदेश नहीं है, इसके बाद तो स्वप्रदान है मतलब किसको विद्या दिया जाएगा वो कथन है। ग्रंथ के तात्पर्य निकालने वाले उपक्रम शंकर को देखिए लास्ट भगवान का लास्ट उपदेश है, बाकी है किसको नहीं, बाकी किसको बोलना है किसको नहीं संप्रदाय मतलब किसको देना इसको बारे में कथन है। तो उपदेश यहाँ पे समाप्त होता है। सर्वधर्म परित्यज्य और एक बार आए पहले हम आपको बताएं पहले सर्वधर्म परित्यज्य नहीं आया वो वहीं पे अंतिम में आया। अब तो अब ये है कि शरणम मेरा शरण में आ जाओ वो तो कई बार बोला, हम सर्वधर्म परित्यज्य पहले नहीं बोला वो तो अंतिम में आके बोलता है धर्माचरण करो फिर धर्म को चलो, ये तो पहले छोड़ देगा क्योंकि उससे पर धर्म करें लेकिन धर्माचरण किए बिना धर्म छोड़ना चाहिए समझ में नहीं आता करने के बाद ही होता। नहीं तो भगवान देखो हम लोग सामान्य व्यक्ति शिक्षा हर चीज़ देने में समर्थ थे, अर्जुन एक क्षण में ज्ञान दे देता नहीं हो सकता, ज्ञान चक्षु के लिए आपका विवेक अपने आप ज्ञान अभिप्रयति मत्ता धीरो न सोचती। देखिए संपूर्ण उपनिषदों की गीता की ब्रह्मसूत्र प्रस्थान करेगा एक ही लक्ष्य है क्या है जीव शोक की निवृत्ति कैसे, शोक निवृत्ति उपाय क्या है धर्म धर्म में भेद बुद्धि रहता है भेद बुद्धि मिटा करके एकत्व को मोहकोश का एकत्व अनुपश्यत नहीं मतलब बार बार विचार करते गुरु शास्त्र उपदेश को सुन करके बार बार विचार करते करते अंगस्थ साक्षात्कार होते ही अनुपश्यत अनुमतलब रिपीटेड अनु बार बार है ना अनुपश्यत। यहाँ पे बोलते हैं कि तत्व को मोहकोश के उपदेश बुद्धिमान इति विवेकित न मुच्यते मत्ता धीरो मत्ता इति साक्षात्कार संपत्ति विवेक द्वारा तत्व साक्षात्कार सभी शोक और निवृत्ति हेतु मार विवेक को तो तत्व साक्षात्कार हो जाने पर शोक की निवृत्ति हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं शोक निमित्त अनुभव शोक क्यों होता है परिच्छिन्न भेद बुद्धि के कारण शोक आसक्ति के कारण शोक होता है। अब अपने सब में समत्व बुद्धि आ गया बोले तो क्या हो जाएगा कि शोक का निमित्त अज्ञान नाश हो गया, शोक के पीछे निमित्त था अज्ञान अज्ञान नाश हो गया इसलिए है क्योंकि ज्ञान होगा तो अज्ञान को नाश करके ही उत्पन्न होगा दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा है ना, तो पूरा नाश किसी शोक का निमित्त ही चला गया इसलिए है अब शोक नहीं करता। तस्य ही निमित्तम आत्म अज्ञान निमित्त तो क्या था स्वरूप का अज्ञान, निमित्त तो क्या था स्वरूप का अज्ञान। तो यही मैं बोला कि एक ही वस्तु ही हमारे लिए बंधन और मुक्ति दोनों के लिए हेतु होता है ना, आप उस तरफ दृष्टि करेंगे तो आप मुक्त हो, उस तरफ विपरीत दिशा मुख करेंगे तो आप मर जाएंगे। इसलिए आपको बोलते हैं कि तस्य ही निमित्त आत्म अज्ञान, उसका निमित्त क्या है स्वरूप के अज्ञान। अब स्वरूप के ज्ञान हो गया आपको इसलिए शोक मोह नहीं होता। तस्य आत्मा आत्म साक्षात्कार निवृत्त
शोको अनुपत्ति इत्यत्र प्रमाण है। तस् उस व्यक्ति का आत्मसाक्षात्कार आत्मसाक्षात्कार हो जाने के फलस्वरूप शोक निवृत्त उसका अज्ञान निकल जाए। तस् मतलब अज्ञानस्य आत्मसाक्षात्कार निवृत्त, यहाँ पर तस् पद से क्या लेंगे वहाँ पे अज्ञान मतलब शोक के निमित्त अज्ञान, ठीक है अज्ञानम। आत्म साक्षात्कार निवृत्त हो, आत्म साक्षात्कार से निवृत्ति हो जाने से शोक अनुपत्ति, कारण चला गया तो कार्य नहीं दिखाई देगा, कारण नाश हो गया तो कार्य नहीं हो सकते, इसका अनुपत्ति इति अत्र इस विषय में प्रमाण को कहते हैं। प्रमाण को क्या कह दिया, तरति शोकम आत्म भी इसके प्रमाण है ना, आत्मवेत्ता पुरुष शोक को पार कर जाता है ना, आत्मवेत्ता पुरुष। मैं ही बोला कि ये इसके ऐसे क्या दिखाना चाहते हैं, ये शोक आदि कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, मिथ्या है, प्रतीति मात्र। जो पारमार्थिक वस्तु होता कभी मिटने वाला नहीं था। आत्मविद शब्द प्रयोग करके ज्ञान निवर्तक मित्रत्व परिवर्तन है ना, मित्रत्व क्या दिखाया, शोक मोह ज्ञान के द्वारा मिट जाती है, तो ज्ञान के द्वारा जो मिटने वाला वस्तु मिथ्या वस्तु है, तरह शोक मान्य सुख प्रति से विषय होता है इत्यादि श्रुति। ये देखिए जो आपने जो प्रश्न उठाया था उस श्लोक यहाँ पे उद्धृत कर रहे हैं, आदि शब्देन यहाँ पे तर्क इत्यादि श्रुतिभ्य, आदि शब्द से किसको लेना है, आदि शब्द न भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धते, अपने आप ही जो आपने उठाया इस प्रसंग में बिल्कुल प्रासंगिक है, आनंद गिरी जी उसी को उद्धृत करते हैं, ठीक है ना। आदि शब्द न भिद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि श्रुति गृहते, इस प्रकार की श्रुति को ग्रहण करें। मुंडक श्रुति है 2-2-9 मुंडक श्रुति, इस प्रकार से अब इसका अंतिम जो है पारमार्थिक स्थिति को समझाने के लिए ओंकार टीका में हृदय ग्रंथि 2-2-9 ओंकार तुरीय भाव आपन्न ज प्रतिपन्न तम स्तौति। ये ओंकार ही हमारा मतलब समस्त मात्रा और पाद से रहित है ना, इस भाग को जिसने समझ लिया, ओंकार तुरीय भाव आपन्न, ओंकार जो अभी जो इस समय ओंकार में क्या था, अकार उकार मकार मात्रा था, उस मात्रा को हटा करके तुरीय भाव मतलब साइलेंस फिजर में आ गया आपन्न, जो व्यक्ति प्रतिपन्न जो उसको समझ गया, प्रतिपन्न मतलब प्रतिपत्ति आश्रय गुण का आश्रय हो गया, कारण वो उसका स्तुति करते हैं, उसको स्तुति करते हैं। श्लोक अमात्रोऽनन्तमात्रास्मात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ओंकारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः आविष्करण पराया अथवा पराशु अंडक उपनिषद के अंदर जो उपनिषद जो छुपा हुआ अर्थ है उसको अभिव्यक्त करने में गौरपादी कारिकाया गौरपादी कारिकाओं में अशु मतलब वो वचन इसका सिंगुलर में है, कारिका श्रीलिंग है, सप्त में एक वचन रमाया और वो वचन रमाशु, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं प्रथम आगमन प्रकरण संपूर्ण। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, अमात्र मतलब मात्रा मतलब जिसको मापा जाता है, जिसके द्वारा मापा जाता है, और ये एक ऐसा वस्तु होगा जिसको किसी के द्वारा मापा नहीं जा सकता, अमात्र इट इज बियॉन्ड ऑल मेजरमेंट है ना, मतलब क्या हो गया उसको ना देश परिच्छिन्नता है ना वस्तु पर, इतना देश में ये नहीं कह सकते, इतना काल में ये नहीं कह सकते, इस वस्तु में ये नहीं कह सकते, मतलब जिसको देश के द्वारा वस्तु के द्वारा काल के द्वारा मापा नहीं जा सकता है वो हो गया अमात्र, उसके द्वारा उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। फिर बोलते हैं अनंत मात्र, मतलब अभी यदि उसको कुछ मापना चाहते हैं तो आप उसका अंत नहीं कर पाएंगे, अनंत मात्र मतलब जो अनंत मात्रा वाले मतलब जिसकी मात्रा के अंत नहीं है, जो भी कुछ मापने के जहाँ कहीं प्रमाता बैठा हुआ है मापने के लिए प्रमाण भी है उसमें, जो भी कुछ मापने वो सभी के अंदर अनुसूचित है, अंत मतलब सभी के अंदर अनुसूचित है, इसलिए उसको फिर उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तरह उसको नहीं मापा जा सकता, अनंत मात्रा
इसमें उसका मात्रा मतलब मापने के लिए यदि भी कुछ लाएंगे, आप बोलेंगे मैं अनंत का ध्यान करता हूँ अथवा अनंत को माप लिया। अनंत को मापेंगे तो अनंत रह ही नहीं जाएगा, अनंत ही नहीं रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं अमात्र मतलब अनंत मात्र। ये कब होना शामिल है? इस समय भेद बुद्धि में जब तक भेद है वही परिच्छिन्न बना देगा। इसलिए बोलते हैं द्वैतस्य उपशम, जहाँ पे भेद प्रपंच पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। और यही संसार में सबसे कल्याण भेद बुद्धि को मिटाना ही कल्याण का। इसलिए बोलते हैं द्वैतस्य उपशम शिव, द्वैत प्रपंच का उपशम हो जाना यही सबसे कल्याण का। इस प्रकार ओंकार को जिसने जान लिया, ओंकार विद्युत जिसके द्वारा इस ओंकार तत्व वास्तविक ओंकार शुरू कहाँ से किया था? अकार उकार मकार के द्वारा। अब क्या बोलता है? ओंकार पारमार्थिक मात्रा से नहीं है, मात्रा ही नहीं है इसका पारमार्थिक स्थिति है, वो तो औपाधिक स्थिति है। पारमार्थिक स्थिति मात्रा से नहीं है। और उपाधि अवस्था में जब आप देखेंगे तब उसको डाकवत संप्रसुक्ति पाठ के साथ मिला करके बड़े अच्छे में देखते हैं, परंतु अनंत मात्रा ये कोई पाठ के साथ मिलता नहीं। इस प्रकार जो द्वैत प्रपंच जहाँ पे पूर्ण रूप से शांत हो जाता है ये सबसे कल्याण कर देते हैं। यही ओंकार का पारमार्थिक स्वरूप है। इस ओंकार को जिसने जान लिया, ओंकार विदित ये न जिसके द्वारा इस ओंकार को जाना गया है ना, तो क्या होता है समी, ये भूमि का परिभाषा, ये भूमि का परिभाषा। इस ओंकार की तत्व रूप से जो जान लेते हैं वो भूमि मतलब तो बार बार चिंतन करते 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 विवेक पूर्वक स्पष्ट ओंकार की अमात्रा स्वरूप को जान लिया। सब भूमि न इतर अन्य लोग भूमि नहीं बोल सकते, न इतर इतर मतलब अंतर, न इतर जन मान लीजिए कोई व्यक्ति कितना भी शास्त्र कितना भी बोलने में मतलब अच्छा हो, मैं कई बार बोला भी नहीं, देखो बच्चा समझाना आसान है समझना कठिन है। क्या लगता है और तुम्हें शायद बोलता हूँ इसलिए कठिन, समझाना आसान है समझना कठिन है। समझाना तो केवल शब्दों के सहारे हम समझा देंगे आपको, हमारे अंदर कोई वाक शैली है तो हम बता भी देंगे आपको, परंतु समझना कठिन है। इसलिए वो तब मुनित्व आएगा जब आपको समझ में आ जाएगा, तब मुनित्व आएगा। ना धारणा एकदम बिगिनिंग स्टेज बोलबे खाली मतलब देशभक्त चिंतस्य धारणा, मैंने कोई एक्टा जगह मन के किसी समय धरे रखते रोक सकते हैं उसको हम धारणा करते हैं। किसी एक देश में किसी एक वस्तु में यदि आप मन को कुछ देर तक रोक सकते हैं उसको धारणा करते हैं। तत्व प्रत्यय एक तानता ध्यान, उसी में जब प्रत्यय की वृत्ति करते हैं उसका ध्यान, फिर उसके बाद क्या ध्यान और धारणा करके केवल आभास मात्र अस्तित्व मात्र कह जाते हैं उस समाधि धारणा ध्यान समाधि, इसको तीनों के साथ संयम शब्द मुनि का अंदर जो मनन कर मननात मुनि मुनि तो ये जो करेंगे ओंकार। हाँ, ओंकार को जो इस प्रकार से मात्रा रहित अवस्था में अपनी विचार द्वारा मात्रा रहित मुनि, हाँ वो मुनि चाहे कितना भी शास्त्र हो यदि उसको इस तत्व तो समझ में नहीं आया तो भगवान भाष्कर बोलेंगे शास्त्र अभी यदि तत्व तो अपने आप विवेक चूला बने भगवान भाष्कर बोलेंगे बहुत साधारण बोलते हैं अभिज्ञाते परे तत्ते शास्त्राधिस्तु निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्ते शास्त्राधिस्तु निष्फला। विवेक चूड़ामणि शून्य पाँचवा चौथा श्लोक भगवान भाष्कर अपने आप बोलते हैं यदि शास्त्र खूब पढ़ लिया परम तत्व अनुभव में नहीं आया तो सारा पठन पठन बेकार गया। अभिज्ञाते परे तत्व उस परम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ शास्त्र अधिक शास्त्र निष्फला शास्त्राधिस्तु निष्फला। ठीक है, विज्ञाते भी परे तत्व यदि आपने परम तत्व को जान लिया शास्त्राधिष्ट निष्फल फिर शास्त्र के रूप शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं। हाँ, ये शास्त्र पढ़ना तो इसलिए जैसे कर्म जो करते थोड़ा मन को बांधने मन को रोकने ज्ञान बिल्कुल इससे भिन्न वस्तु अभी अभिज्ञान भी परे तत्व शास्त्राधिष्ट निष्फल विज्ञान भी परे तत्व। देखिए जो इतना शास्त्र लिखा जो इतना शास्त्र व्याख्या किया उनका फर्स्ट पहली वार्निंग ध्यान रखना आपने अभ्यास किया परंतु यदि लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया ऋषि शरीर से उत्पाद विज्ञात भी पढ़ जाते जान लिया फिर इसको भोजन को कंधे में नौते कई बार लिखते हैं नदी पार करने के बाद कोई व्यक्ति नाव का नाव को अपने कंधे में उठा के नहीं ले जाता बस इसको सहारे थोड़ा सा संकेत
भगवान श्री कृष्ण ने यही बोला, जिसको धर्म आचरण करने के लिए ओर तो युद्ध कर, उसी को क्या बोल रहे धर्म चोरी। सभी शास्त्र की एकरूपता को देखिए, सभी शास्त्र की एकरूपता को देखिए कि हमको जो उस परम तत्व को साक्षात्कार करने के लिए अथवा अपने आनंद में स्थिति को रहने के लिए हमको सारा अवलंबन नहीं छोड़ना, सारा अवलंबन छोड़ना। हाँ, पहला अवलंबन चाहिए नहीं तो मन के हनुमान के सबका जी। इसलिए आपने बोला कि ओंकार विधि के पूर्ण सामुनि यहीं पर रखेंगे फिर कल लग रहा था कि इतना छोटा चीज़ है ना, दो तीन पंक्ति का उनकी कितना गहरा चीज भगवान बात करें। जो भी से बोल रहा हूँ मन देखो कार्य का बहुत सावधानी के साथ सुनिए विचार करिए, क्योंकि इसमें एक ही एक अमेव अलम मुमुक्षा ठीक से इसको लेकर के पढ़े रहेंगे, इसी से आपका अंतकरण शुद्धि 100% हो जाए विचार करते। आज कौन सा पढ़ेंगे, तीसरा वाला, तीसरा वाले में जन उदनवती सर्वभावेन।